हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सोवा के माइंड मैप के लाइनअप्स बताता हूँ, ठीक है। जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको हेवन के लाइनअप बताए थे, और उसमें मैंने सोवा के बेसिक मैकेनिक्स भी एक्सप्लेन किए थे कि 1 2 3 और बाउंसेस का क्या हिसाब किताब है। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ उसका। तो पहले 2 3 मिनट में आपको जो मैकेनिक्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको बी साइड पे सारे लाइनअप बता देता हूँ कि अगर आप डिफेंडर हो तो बी साइड कैसे डिफेंड करने हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं कि जो सबसे पहले एक चार्ज लगा के 2 3 की पावर लगा के ऐसे रिवीलिंग छोड़ देते एरिया हैं एरो, तो एनिमी एरो यहाँ पे जाता है। अगर आपको डीप डालना है तो आप डीप डाल देते हैं तो ये रिवीलिंग पीछे तक एरिया जाता है। तो बट होता क्या है कि एनिमी एरो आते हुए देख लेता है और वो एरो डिस्ट्रॉय कर देता है उससे पहले कि वो पोजीशन रिवील करे। तो अगर आपको ये लॉन्ग वाला एरो डालना ही है तो मैं आपको इसके लाइनअप बता देता हूँ। आपको इस कॉर्नर और इस कॉर्नर इसको अलाइन करना है। इसके जब अलाइन करेंगे 2 की पावर लगा के रिवीलिंग छोड़। एरिया अब आप वेट कीजिए, ये एरो डिलेड है, एनिमी को पता नहीं चलेगा। जब उसे पता चलेगा तब तक उसकी पोजीशन रिवील हो चुकी होगी। अगर वो एरो डिस्ट्रॉय करने लगेगा तो आप उसका पीक लेके उसे मार सकते हैं, या अगर मल्टीपल एनिमीज होंगे तो आप फॉल बैक कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। दूसरा एरो मिड का है, मैं आपको मिड का एरो बता देता हूँ। आपको इस बॉक्स को साथ में अलाइन करना है। ये बॉक्स मान लीजिए इसे, और ये बॉक्स इसके एजेस को साथ में अलाइन करना है। जब ये अलाइन हो जाए तो ये जो आपकी पाइप है और ये एंटीना है, ठीक है, इसको पाइप के ऊपर एंटीना की हाइट पे अलाइन करके यहाँ पे एरो छोड़ना आपको, ठीक है। रिवीलिंग एरिया तो ये जो आपका एरो होगा यहाँ पे लग जाएगा, के यहाँ पे लग सकता है, यहाँ पे लग सकता है। अगर थोड़ी बहुत लाइनअप लेफ्ट राइट होगी तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपका जो सारे एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये और ये रिवील हो जाएगा। इसके जो अगर कोई बंदा अंदर है तो वो रिवील नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये वाला एरिया, ये और ये सारे एरिया रिवील हो जाएगा। ये तो रहे आपके जो बी साइड के अटैक करके डिफेंडर के आपको लाइनअप बताया मैंने, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप बंदे बी पे आ रहे थे पहले शुरू में, और लेकिन वो इस टेलीपोर्ट से रोटेट कर गए या फेक कर रहे हैं, वो आपको पता करना है कि वो फेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, असली में रोटेट हुए कि नहीं। तब इस कॉर्नर में आइए, इस कॉर्नर में आएंगे तो ये दीवार का कॉर्नर और ये कॉर्नर, तो इसके अलाइन करेंगे तो इनके सेंटर में कोई आपको चार्जेस नहीं लगाना है, आपको 3 की पावर रिवीलिंग एरिया और छोड़ना है, ठीक है। तो ये जो आपका एरो है ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी आ सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे, इसका भी थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे करोगे तो चल जाएगा। तो बेसिकली इससे क्या होगा कि जो बंदे वहाँ से रोटेट कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने फेक तो नहीं किया, सच में रोटेट किया है, कितने बंदे रोटेट किया, आपकी टीम के पास इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये जो सारे हैं ये सारे बी के आपके डिफेंडर के लाइनअप्स हैं, ठीक है। अगर आप बी बी पे अटैक करते हो तो मैं आपको अटैकिंग के लाइनअप्स में बता देता हूँ। सबसे पहला बी साइड का डीप कंट्रोल है। अगर आपको चेक करना है कि बी पे कितने खेल रहे हैं बंदे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कैक्टस पे आएंगे, कैक्टस के ऊपर एम करेंगे। उसके बाद ये जो लैडर दिख रही है आपको सोलर पैनल के बाजू में, ये लैडर के टॉप पे एम करके आपको 1 बाउंस और फुल चार्ज करना। रिवीलिंग एरिया तो ये जो आपका एरो है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सारा एरिया रिवील कर देगा अगर कोई यहाँ पे खेल रहा है, और इससे विंडो वाला एरिया भी रिवील हो जाएगा अगर विंडो के पीछे खेल रहा है, तो ये एरिया भी रिवील हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द एरिया रिवील हो जाएगा। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, और ये वाला एरिया रिवील नहीं होगा आपका, जो ये एरिया है। ये एरिया रिवील करने के लिए मैं आपको एक लाइनअप बताता हूँ। सबसे पहले फाउंटेन पे आइए, फाउंटेन पे आने के ये एक फाउंटेन का जो एज है जहाँ से ये मुड़ता है वहाँ उस पे एम कीजिए, और ये जो लकड़ी का ये विंडोज टाइप्स है इसके एज बिल्कुल नीचे, इस पे 1 बाउंस और 3 की पावर एंड रिवीलिंग करो। एरिया तो ये जो आपका यहाँ पे एरिया रिवील हो जाएगा, तो आपको ये चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे कोई बैठा है कि नहीं बैठा। तो आप सीधा यहाँ से आएंगे, ये एंगल क्लियर करेंगे, और उसके बाद आप साइड पे फाइट लेंगे। तो अगर आप मिड से आ रहे हैं, मैं आपको मिड मिड का भी बता देता हूँ, कह रहा हूँ अगर आप मिड से आ रहे हैं, यहाँ से मिड से आ रहे हैं, और आपने ये जगह का कंट्रोल ले लिया, आपके पास ये जगह का कंट्रोल है, तो आप यहाँ पे इस कॉर्नर में टक कीजिए। उसके बाद ये सोलर पैनल है और ये जो डोर के ऊपर वाला हिस्सा है, तो इसको अलाइन करेंगे साथ में इसके, और आपको लगानी है इस पे 2 की पावर रिवीलिंग और एरिया छोड़ देना है, ठीक है। तो जो आपका ये यहाँ पे लैंड करेगा,
तो इससे आपको पूरा बी साइड का विजन मिल जाएगा कि कौन, अगर कोई कॉर्नर में खड़ा है उसका भी मिल जाएगा, सामने वालों को भी मिल जाएगा, अगर कोई यहाँ से खेल रहा है ये इसके अंदर से खेल रहा है उसका विजन नहीं मिलेगा, वो आपको खुद क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका एक और एरो बता देता हूँ, बहुत ही अच्छा एरो है, ओपी एरो है, ये विंडो के अंदर क्लियर करेगा वो, थोड़ी लाइन अप हार्ड है लेकिन पता चल जाएगा। आप उसको चाहे तो लर्क करने के लिए, फेक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या कमिट करने के लिए, अगर आपको विंडो के अंदर देखना तो ये जो सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है, पहले सीढ़ी का ये दिख रहा है आपको इन लाइन, इसके एंड में ये जो लकड़ी पड़ी है, लकड़ी के एंड में आपको एम करना है, बिल्कुल माउस नीचे, यहाँ पे एम किया उसके ऊपर। तो ये जो बड़ी लकड़ी टेढ़ी वाली है और छोटी लकड़ी जहाँ पे मिलते हैं उससे थोड़ा सा नीचे आके आपको 3 की पावर रिवीलिंग ये एरिया। जो एरो है ये विंडो के बिल्कुल अंदर जाएगा, आप इसे लर्क के लिए भी यूज़ कर सकते हो और इसे आपका विंडो का सारे एरिया क्लियर हो जाएगा, कोई इस कॉर्नर में बैठा है या सामने वाले में बैठा है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा एरो है। अब ये साइड के भी बता देता हूँ, जब आप यहाँ से आएंगे, ठीक, अच्छा एरो है, यहाँ पे आके आपको अंदर ये पेंटिंग के कॉर्नर को यहाँ से अलाइन करना है। ठीक है, आपको ये दोनों पाइप्स के बीच ये पेंटिंग का कॉर्नर यहाँ पे, तो बाउंसेस मैक्स पावर रिवीलिंग एरिया, तो ये जो आपका एरो है ये यहाँ पे जाके लग जाएगा, तो इससे ये एंगल क्लियर हो जाएगा, ये वाला एंगल क्लियर हो जाएगा, सारे एंगल क्लियर हो जाएंगे मोस्टली। ये तो रहा साइड वाला एरो, अगर आपको साइड पे करना है तो साइड का यहाँ से आ रहा, साइड का बड़ा इजी एरो, इस बॉक्स पे जंप करो और ये जो पत्ता है इस पे सिंपल क्लिक करो, रिवीलिंग एरिया, ये एरो आपका साइड पे यहाँ पे आएगा, तो इससे ये एंगल क्लियर हो जाएगा, ये वाला क्लियर हो जाएगा, ये वाला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एरो बहुत ही आसान है और आपका जो मेन साइट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका एनिमी पीछे डीप खेल रहा है, तो मैं आपको डीप एरो भी बता दूँ, तो साइड का क्लोज एरो था, आप इस कॉर्नर में जाइए, ये जो फर्स्ट वाला ये कागज़ का वो है, तो इसके आपको एज पे एम करना है, एज पे एम करने के बाद ये जो जहाँ पे पत्ता तार से मिलता है यहाँ पे एम करना है, 2 की पावर रिवीलिंग एरिया, ये जो आपका एरो है यहाँ पे लैंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे, तो इससे ये वाले एंगल सारे क्लियर हो जाएंगे, ये इसके पीछे खड़ा है, इसके पीछे खड़ा है, इसके पीछे खड़ा है, ये यहाँ पे खड़ा है, तो ये वाले सारे एंगल आपके साइड पे क्लियर हो जाएंगे टिप वाले। ठीक है, अभी मैं आपको नेक्स्ट एरो बता देता हूँ। अगर आप मान लीजिए शावर से कंट्रोल ले रहे हो, तो शावर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपके पास टीम में ओमन है तो एक स्मोक यहाँ पे कर देगा और एक स्मोक यहाँ पे कर देगा, या आपके पास ब्रिमस्टोन है तो स्मोक हो जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या रहती है कि ये वाला एंगल क्लियर नहीं हो पाता, ये वाला एंगल खुद क्लियर करना पड़ता है और कई बार एनिमी हेडशॉट मार के मार देता है। तो आपको वहाँ का मैं बता देता हूँ एरो रिवील करने का। आप ये कॉर्नर में आइए, ये जो थोड़ा सा आपको ये दिख रहा है ना, ये मिट्टी सी, यहाँ पे एम करना है आपको, ये जो दो पटरियाँ दिख रही हैं इसके ऊपर एम करना है, 2 की पावर रिवीलिंग एरिया थ्रो, तो ये जो आपका एरो है यहाँ पे आगे गिर जाएगा, तो ये एरिया रिवील कर देगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला एरिया भी रिवील हो जाएगा इससे, तो आपका ये जो मेन थ्रेट है ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, और अगर इसका एक और अल्टरनेटिव है, अगर आप अंदर से करना चाहो ये, तो इस कॉर्नर में आइए, आपका यहाँ पे एम करना है, यहाँ पे एम करके 1 बाउंस रिवीलिंग की एरिया पावर और सीधा नीचे यहाँ पे गिरेगा, ये सेम एंगल रिवील करेगा। अच्छा, अगर आपको मान लीजिए कि कई बार होता है कि बंदा ये बॉक्स के पीछे खेलता है, ये वाले बॉक्सेस के पीछे, ये वाले बॉक्सेस के पीछे, ये यहाँ पे कॉर्नर में, तो ये वाला एरो रिवील नहीं कर पाता, तो अगर बंदा यहाँ से ऐसे खेल रहा है तो इसको रिवील करने के लिए, इसको रिवील करने के लिए, इसको रिवील करने के लिए एरो की लाइनअप बताता हूँ मैं, सेम लाइनअप है उसमें, यहीं पे कॉर्नर में आइए, यहाँ पिछली बार हमने यहाँ पे एम किया था, अभी यहाँ पे एम करना है। ठीक है, यहाँ पे, ताकि एरो मिस ना हो, यहाँ पे नीचे एम कीजिए और सेम ही एक ही बाउंस लगेगा, लेकिन पावर इस बार लगेगी 3 की। ठीक है, रिवीलिंग एरिया पावर लगी, ये जो आपका एरो है ये गया साइड के पीछे, जब तक वो डिस्ट्रॉय करेंगे इसे, ये एरिया, ये एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया रिवील हो जाएगा। अगर कोई हेवन पे होगा वो भी रिवील हो जाएगा, अगर वो दिख रहा होगा तो। तो ये जो ए के आपके अटैकर्स के बेस्ट एरोज है। ठीक है, अभी आप यहाँ से अगर आप सोनर चलाना चाहो कि अगर एनिमी यहाँ पे क्लोज खड़ा है, अगर एनिमी यहाँ पे ऐसे खेल रहा है, तो आप यहाँ से अपना डार्ट भी चला सकते हो, डैमेज वाला। लाइनअप सेम ही है, 1 बाउंस
यहाँ पे लो की पावर थ्रो, तो ये जो आपका शॉक डार्ट है यहाँ पे आके फूटेगा, वो एनिमी डैमेज हो जाएगा, अगर लो होगा तो वो मर जाएगा। तो ये वाले आपके जो एरो है ये आपके अटैकिंग के एरोज है। ए साइड में डिफेंस में एरो कुछ खास नहीं है, मतलब आप यहाँ से नॉर्मल थ्रो कर सकते हो, रिवीलिंग एरिया आपका जो एरिया रिवील हो जाएगा। हाँ मैं आपको बता देता हूँ, जो मेन एन आपको एरोस की लाइनअप बता देता हूँ मैं, कि अगर आप एरोस कैसे कहाँ पे चलाओ, अगर आप ये वाला क्लोज एंगल खेल रहे हो ना, तो एक एरो यहाँ पे चला दो मैक्स चार्ज करके ये छतरी के नीचे, रिवीलिंग एरिया, तो इससे क्या होगा कि ये वाला सारा पोर्शन क्लियर हो जाएगा अगर यहाँ पे भी कोई छुप के बैठा है। और ये डिस्ट्रॉय करना मुश्किल है क्योंकि ये रेलिंग वगैरह बीच में आ जाएंगी तो थोड़ा टाइम लग जाएगा उसे। तो ये वाला ए साइड कैर हो गया। अगर मान लीजिए आप यहाँ से हेवन से खेल रहे हो, विंडो से, सॉरी हेवन नहीं, विंडो से खेल रहे हो, तो आपको यहाँ पे पूरे ऊपर कॉर्नर पे मैक्स पावर रिवीलिंग एरिया। इस डिफेंडर के खास लाइनअप्स नहीं है ए साइड के, लेकिन एक मेन लाइनअप है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप शावर पुश करना चाहते हो, यहाँ पे कोई बंदा है या यहाँ पे खेल रहा है तो आपको पुश करना है, तो आप इस कॉर्नर में आइए, पूरा टक कर लीजिए, ये जो दिखता है ना आपको लाइन से, इसके ऊपर अलाइन कीजिए यहाँ पे बिल्कुल, और अपना आपको मैक्स चार्ज करना है, कोई बाउंस नहीं करने, कोई कुछ नहीं करना, मैक्स चार्ज रिवीलिंग एरिया। ये एरो थ्रो करने के बाद आप अपनी गन निकालिए और यहाँ से वॉक इन गिरना शुरू कर दीजिए, अगर आपको पुश करना है यहाँ पे होल्ड कर लीजिए थोड़ा अगर करना है तो, और उसके बाद ये थोड़ा डिलेड एरो है, जब गिरेगा, अब गिरेगा गिरा तो एनिमी रिवील हो जाएंगे। अगर एनिमी डिस्ट्रॉय कर रहा है तो आप एनिमी को ऑफ गार्ड पकड़ सकते हो उसके लिए, अगर एनिमी आपको तीन चार है तो आप फॉल बैक कर सकते हो। ये बेस्ट एरो है अगर आपको बाथरूम शॉवर कंट्रोल लेना है ए पे। तो जो मेन क्रूशियल लाइनअप्स थे मैंने आपको बता दिए, एक आपको एक्स्ट्रा लाइनअप बता देता हूँ मैं बी का, अगर रीटेक में ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए आप यहाँ से आ रहे हो, बहुत कॉमन एरो है, बहुत लोग यूज़ करते हैं, वन चार्ज लगा के आपको यहाँ पे कॉर्नर पे खड़े होना है, मैक्स पावर और रिवीलिंग एरिया, तो ये एरो है यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको इस जगह का कंट्रोल, इस जगह का, इस एरिया का सारा यहाँ तक रिवील मिल जाएगा। वो एरिया क्लियर नहीं होंगे, लेकिन इससे क्या होगा कि आपकी जो बी साइट है वो सारी की सारी आपको पता चल जाएगा। तो ये आपके जो सारे लाइनअप्स हो गए हैं, आपके लिए एक बोनस है, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे बंदा बैठा है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको यहाँ पे बैठा है, ठीक है, तो मैं आपको वॉल बैंक बताता हूँ इसका। ये जो लकड़ी का ये दिख रहा है ना, इसको एक दो तीन चार पाँच, पाँच ब्लॉक छोड़ के छवें ब्लॉक है जो, वहाँ पे स्पैम कीजिए। ऑफ कोर्स फैंटम से नहीं होगा, वैंडल होगी आपके पास, तो वैंडल से स्पैम कीजिए। ये कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे, ये बंदे के बचने के चांस ही नहीं है अगर आप अच्छे से करोगे। अगर उसे एक हेडशॉट लग गया तो वैसे ही मर गया, वरना वो इतना लो हो जाएगा, भगने के बजाय अगर नीचे गिरेगा तो आप उसका पिक लेके या आप ग्रेनेड वगैरह यूज़ करवा के रेस का, तो आप उसे मार सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे हम स्प्लिट मैप के लाइनअप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुक्रिया, जय हिंद।